गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या वी आर मीटिंग। निया दी नमस्ते। वेरी वेरी गुड नमस्ते। इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दी, सब अच्छा है। और मुझे लगता है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज गुड इवनिंग सर। बहुत मेहनत किया। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आप कौन सी मैम को गुड इवनिंग बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा असल में। नीना मैम को। नीना मैम। ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुस्कान। गुड इवनिंग मैम। सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी। सुनील जी आप म्यूट पर हैं। सुनील जी यू आर इन म्यूट। आवाज नहीं आ रही है सर। आई थिंक सर कॉल पे हैं। ओके सर एज आई थिंक यू आर टेकिंग माई नेम बट यू आर नॉट ऑडिबल सर। नो सर वी कांट हियर यू।
coming some cracking voice. Sound is cracking, I think. Sir, so try to come without your earphone. What if you are using something? I think sir left the meeting. He might have network issue. Just a second. Am I audible? Yes, sir. Perfectly fine. Yes, sir. Sorry for this kind of technical glitches. So, okay, so let's start with the. Let me welcome all my esteemed colleagues, my fellow Navratnas, my students and scholars, all across universities, colleges, institutions. Thank you. On behalf of Center for Global Studies Parivar, I, Deepratham Sevak, welcome you all. For a very special Dhanyavaad, sir. Which I believe is going to have many revolutions, new revolutions in terms of the pilot study explorations, which our students have conducted in the span of 14 days. Neena ji, 14 din hamare liye bahut important hota hai, isliye 14 din ke is mehnat ke baad, sangharsh ke baad aur prayas ke baad, aaj hum kuch nayi khoj शोध की नई खोज सर्वेक्षण की नई खोज आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं. पर उससे पहले अनुश्रेया ने और हमारे विकास ने एक रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. तो एक छोटा सा वीडियो, लेट्स ओवर टू अनुश्रेया एंड विकास फॉर द वीडियो. थैंक यू सर. पंकज, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो दैट होस्ट मेक यू प्रेजेंटर. Present the video. Yes, I raise my hand. Sir, kindly make him presenter so that he will be able to present the video. And sir, also a request that video has only 2 minutes and 29 seconds. So if you will permit, we will also want to present in the end of the program because some students are late to join just because of some exams. So we will also want to present in the last of the session as well. Sure. Thank you, sir. Pankaj, please go ahead. Is it visible now? Yeah, Pankaj, it is. Okay, I'm playing. अब दूरी नहीं ना दूरी कोई बात रही ना अधूरी अपनों की बातों की मिसरी कानों में खो रहा है रिश्ता बोल रहा है गांव बोल रहा है पर्वत बोल रहा है ओ बेफिकर दिल के दरवाजे खोल रहा है रिश्ता बोल रहा है रिश्ता बोल रहा है रिश्ता बोल रहा है रिश्ता बोल रहा है
अपनों की बातों की मिसरी गानों में खो रहा है, रिश्ता बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है, वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। अब दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी गानों में खो रहा है, रिश्ता बोल रहा है, होगा बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है, वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है। अब दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी गानों में खो रहा है, रिश्ता बोल रहा है, होगा बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है, वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, रिश्ता बोल 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 रहा है, रिश्ता बोल। थैंक यू पंकज सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Anushreya and Pankaj. इस वीडियो से ये आभास तो हो गया है हम सब लोगों को कि हम लोगों ने इन 14 दिन में उत्तर प्रदेश और पंजाब के सभी जिलों को सर्वेक्षण करने का प्रयास किया है, और आज जो मैं आप सबके सामने उन सर्वेक्षण का के परिणाम आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस प्रयास को भी चरितार्थ करेंगे। तो आप बस मुझे 10 मिनट की अनुमति दें ताकि मैं अपने उस छोटे से प्रेजेंटेशन को आप सब लोगों के साथ साझा करूं। सौर्या, आप बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज। यस सर, सो वी वर रियली एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट्स टू। वैसे मैं आपको जरूर बता दूं कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि हम लोगों ने कितने सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं, कहाँ कहाँ हमने छोड़ा है, क्या क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट रहे। तो ये सब आज मैं अपने छोटे से नीना दी 14 मिनट के प्रेजेंटेशन में मैं अपनी सब बातें आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो हेयर गोज द प्रेजेंटेशन। अनुश्रेया, प्रेजेंटेशन दिखाई दिया? सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। प्रेजेंटेशन नहीं आया? नो सर, अभी मैंने दिखाया नहीं तो आएगा कैसे? यस सर, अब आ रही है। यस सर। ओके, तो आज हम अपने तीन पायलट्स की मदद से, हमारे तीन पायलट्स से, जैसा कि हम सब जानते हैं, पंजाब को देख रहे थे विकास यादव जी, उत्तर प्रदेश अनुश्रेया के पास था, और इन दोनों पायलट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे तीसरे बड़े पायलट अरुण जी, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो मैं आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप तीनों के प्रयासों से आज हम कुछ नए एक्सप्लोरेशंस लेकर आए हैं और सबके साथ साझा कर रहे हैं। हर बार होता है अनुश्रेया, मैं एक कोटेशन के साथ आता हूं, लेकिन इस बार मैंने कोई बुद्धू बनाने का प्रयास नहीं किया है, तो मैं केवल आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स साझा कर रहा हूं। तो हमारे इस पायलट स्टडी प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश और पंजाब से जुड़ा हुआ था, इसकी कुछ खास बातें थी। तो सबसे पहली जो खास बात थी वो ये थी कि ये पायलट स्टडी प्रोजेक्ट ऑनलाइन सर्वे पर आधारित था, अर्थात हमने उत्तर प्रदेश और पंजाब के कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनके डिस्ट्रिक्ट्स को ऑनलाइन सर्वे किया। मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन सर्वे दो मोड्स में किया गया था, ऑनलाइन सर्वे ऑनलाइन मोड में भी हुआ और ऑनलाइन सर्वे ऑफलाइन मोड में भी हुआ। इससे अभिप्राय ये है कि हमारे कुछ सर्वेयर्स
भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ऑफलाइन मोड में, फिजिकल मोड में वो सर्वे कर रहे थे। और आपने देखा कि हमारे इश्क में जलंधर में थे, हमारे कुछ साथी आजमगढ़ में हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स अमृतसर गए, कुछ बुलंदशहर थे, गाजियाबाद थे, और उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में उन्होंने ऑफलाइन भी सर्वे किया। तो ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में हुआ। इस कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन सर्वे करने का एक संकल्प लिया और वो अपनी इच्छा से ही उन जिलों में गए जहां से उन्होंने सर्वे किया। बट ब्रॉडली ये सर्वे, ऑफलाइन मोड वाला सर्वे भी ऑनलाइन में था, क्योंकि हमारे सारे सैंपल्स ऑनलाइन सर्वेस के आधार पर ही सबमिट हुए थे। हमारी साथी डॉक्टर प्रवीण जो आजमगढ़ से हैं, उन्होंने वो सर्वे को फिजिकल मोड में करवाया और उन्होंने सर्वे को पहले क्वेश्चनेयर को प्रिंट करके अपने स्टूडेंट्स को दिया, उसके बाद जब वो ऑफलाइन सर्वे हुआ तो उसको दोबारा से उन्होंने ऑनलाइन वे में सबमिट किया। तो ये इस सर्वे की सबसे खास बात थी कि ऑनलाइन सर्वे ऑनलाइन मोड में भी रहा, ऑफलाइन मोड में भी रहा। दूसरी खास बात इस सर्वे की रही कि ये सर्वे इस बात पर आधारित नहीं था कि किसकी सरकार बन रही है, कौन एक श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था दे सकता है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, इसके अपितु ये जो सर्वे था ये इश्यूज पर आधारित था। हमने उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए इश्यूज लिए थे, 7 इश्यूज हमारे पंजाब के लिए थे और 8 इश्यूज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए थे। लगभग 5 इश्यूज दोनों राज्यों में कॉमन थे, जैसे कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था फार्म लॉस का, अर्थात कैसे कृषक विधेयकों ने हमारे मतदाताओं को प्रभावित किया है। एक कॉमन मुद्दा जो हम देख रहे थे वो कॉमन मुद्दा हमारा रहा करप्शन का, एक कॉमन मुद्दा रहा प्राइस हाइक अर्थात महंगाई का, उसी प्रकार से डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस अनदर कॉमन इश्यू रहा जो दोनों राज्यों के अंदर कॉमन था। तो पहली बार ये पायलट स्टडी हम लोगों ने इश्यूज पर आधारित की, ताकि कहीं से हम ये अभी जानना नहीं चाह रहे थे कि किसकी सरकार वहां बन रही थी। तो ये पूर्ण रूप से एक एकेडमिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्वे रहा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो इस सर्वे की, इस पायलट स्टडी की खास बात थी कि ये सर्वे जिलों पर आधारित सर्वे था, अर्थात ये जिला केंद्रित सर्वे था, डिस्ट्रिक्ट फोकस सर्वे था। हमने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को सर्वे करने का प्रयास किया और पंजाब के सभी 22 जिलों को हमने सर्वे करने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और पंजाब की 117 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो 420 में 100 और जोड़ दें, 520 ये होता है। तो हमने 520 विधानसभा क्षेत्रों को सर्वे ना करके हमने ये 520 विधानसभा क्षेत्र किन जिलों में विभाजित थे, तो 97 डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड बोथ अंडर उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। सो वी हैड 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश एंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। तो ओवरऑल ये तीन खास बातों के साथ हमने अपने पायलट स्टडी को 14 नवंबर 2021 को शुरू किया और ये 28 नवंबर 2021 अर्थात पूरे 14 दिन के पश्चात ये सर्वे संपन्न हुआ। मैं आपको फिर बात बता दूं कि ये सर्वे वास्तव में एक पायलट स्टडी था, केवल हम ये जानना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी राजनीति या चुनावी लोकतंत्र किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने वोटर्स के ओपिनियन को गेस करने के लिए वी कंडक्टेड दिस काइंड ऑफ एक्सटेंसिव पायलट स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑल अवर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स टीचर्स फेलोज एंड कोलीग्स ऑल अक्रॉस द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड द इंस्टीट्यूशंस। अब इसको अगर हम देखें तो मैंने कल अपने बहुत सारे स्टूडेंट से उनके व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया, उन्होंने मेरे से बात की और हम लोगों ने कल लगभग 1.5 घंटा उन सभी स्टूडेंट से, स्कॉलर से, सर्वेयर से, जिन्होंने इन 14 दिनों में दोनों राज्यों के सभी जिलों को सर्वेक्षण करने का प्रयास किया। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो बात कर कर पता चला कि इस पूरे चुनाव में, आगामी चुनाव में चार मुद्दे, चार वाद विषय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या निभा सकते हैं। सबसे पहला जो हम सब जानते हैं कि जो 3 फार्म लॉज हैं जिसका विरोध हमारे बहुत सारे कृषक साथी कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से,
तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में हमें किसान आंदोलन, किसान जो मुद्दे थे, फार्म लॉज जो थे, एग्रेरियन लॉज थे जो भारत सरकार ने 2020 में कार्यान्वित किए, ये मुद्दे हमें उत्तर प्रदेश में और पंजाब में अपने सर्वेक्षण के दौरान पता चले। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो था महंगाई का, प्राइस राइज का। तो प्राइस राइज भी दोनों राज्यों में हमें नजर आई। मतदाताओं ने, हाउस होल्ड्स ने अपने उस इंटरैक्शंस में हमें बताया, हमारे सर्वेक्षण करता स्टूडेंट्स को बताया कि प्राइस राइज, महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा एम्प्लॉयमेंट का, अर्थात बहुत सारे युवा साथी थे जो रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे थे कि चुनाव अगर होगा तो रोजगार पर केंद्रित होगा। और चौथा बहुत खास जो इशू रहा वो था डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। हमने जानबूझ के डेवलपमेंट गवर्नेंस को एक बड़े कैनवस में डालने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हेल्थ केयर की बात आती है, बेसिक एमिनिटीज की बात आती है, तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट गवर्नेंस को हमने एक ब्रॉड कैनवस के रूप में रखा। तो ये चार वो इश्यूज थे जो हमें अपने सर्वेयर से बात कर कर पता चले कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चार इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण थे जब हमारे सर्वेयर्स ने अपने हाउस होल्ड से, मतदाताओं से, वोटर से, इलेक्टर से या नागरिकों से बात की। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं तो इसका, इसके बहुत सारे इंफरेंसेस हो सकते हैं कि फार्म लॉस पे लोगों ने क्या कहा, वो उससे खुश थे या उनमें रोज था, प्राइस राइज को लेकर उनका क्या मानना था, रोजगार को लेकर युवा मतदाता क्या कह रहे थे, विकास और अभिशासन के बारे में उनकी क्या धारणा थी। लेकिन एक अगर हम संक्षेप में देखें तो ये चार इश्यूज हमारे सर्वेयर्स ने अपने कल के डिस्कशंस में बताए। अब हम चलते हैं कि अगर हम पंजाब का एक एक ब्रॉड एक विश्लेषण करें तो हमें पंजाब को अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये पठानकोट से मानसा तक, फाजिलका से शायद अजीत सिंह नगर तक, ये पंजाब बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और हमारे सभी शोधार्थियों ने, हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स स्कॉलर्स ने पंजाब को भी स्टडी करने का प्रयास किया, जानते हुए कि पंजाब में भाषा एक समस्या हो सकती है। लेकिन कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से कोशिश की कि हम पंजाब के सभी जिलों में मतदाताओं से मिले। आपको जानकर बहुत खुशी होगी और ये हर्ष का विषय है कि पंजाब के हमने सभी 22 जिलों को सर्वे करने का प्रयास किया और हमने इसमें एक भी जिला नहीं छोड़ा है, चाहे वो अमृतसर हो, तरन तारण हो, संगरूर, पटियाला हो, बरनाला हो, लुधियाना हो, मोगा हो या फिर श्री मुक्तसर साहिब हो। हमारे स्टूडेंट्स ने इन सभी 22 जिलों को अध्ययन किया अपने सर्वेक्षण में। और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इन 22 जिलों के, अगर हम सैंपल साइज को बताएं कि 22 जिलों के टोटल सैंपल्स हमारे स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए वो 4,144 सैंपल्स थे जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूरे पंजाब के 22 जिलों में मतदाताओं से उनके मन की बात को जानने का प्रयास किया कि वो इन इश्यूज पर उनके क्या विचार हैं। अब अगर हम इन सैंपल्स को, 22 जिलों के सैंपल्स को, उन इश्यूज को आप सबके सामने प्रकट करें तो ये प्रेजेंटेशन इस प्रकार से आता है। मैं बता दूं कि जो पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो चल रहा था, जिसका सब लोग जिक्र कर रहे थे कि फार्म लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू वहां चल रहा था एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ड्रग्स, चौथा डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, पांचवा करप्शन। तो हमने इन सभी इश्यूज पर जब उनकी प्राथमिकताएं मांगी तो हमारे बहुत सारे मतदाताओं ने अपनी पहली जो प्राथमिकता दी, हमने पहली प्राथमिकता के आधार पर ये विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो ये देखी गई पहली प्राथमिकता के आधार पर फार्म लॉस पर 14.8% हमारे मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए आगामी चुनाव में जो किसान के जो मुद्दे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। महंगाई पे 23.3% मतदाताओं ने कहा कि महंगाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है। करप्शन और एम्प्लॉयमेंट को क्रमशः 15% और 17% लोगों ने कहा। ड्रग्स को लेकर, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इशू है,
तो लगभग 11.5% मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब में किस प्रकार से ड्रग्स को हम सरकार नियंत्रित करे, विकास और अभिशासन पर लगभग 18% लोगों ने किया, और बाकी कुछ छोटे छोटे अलग मुद्दे थे जिस पर उन्होंने 1.4% लोगों ने उस पर कहा। तो अगर हम इस चुनावी सैंपल्स का विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था कि कृषक कानून जो है वो पंजाब के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो सैंपल्स थे ये जब किसान कानून भारतवर्ष में चल रहे थे और जब मोदी जी ने उन कृषक कानूनों को वापस लिया उसके बावजूद, तो ये हमने दो प्रकार के हमारे पास असेसमेंट है, प्री विड्रॉल एंड पोस्ट विड्रॉल ऑफ दीज फार्म लॉज। तो पूरे प्रक्रिया में ये नजर आ रहा है कि लगभग 15% ऐसे हमारे मतदाता थे जिनके लिए फार्म लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस आधार पर कोई भी समाज वैज्ञानिक विश्लेषण लगा सकता है कि आने वाले चुनाव में क्या इश्यू बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और मतदाता किस ओर अग्रसर हो सकता है, किस ओर आकर्षित हो सकता है, किस प्रकार से वो चुनावी राजनीति के एक परिवेश को परिवर्तित कर सकता है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश पर। अगर हम उत्तर प्रदेश को इसका एक मूल्यांकन करें तो ये हम देखें, उत्तर प्रदेश को हम आमतौर पर 4 भागों में इसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और ये हमने कहा था कि हम करेंगे भी। उत्तर प्रदेश पंजाब की अपेक्षाकृत बहुत बड़ा राज्य है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमें हरे रंग के उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो पूर्वांचल है वो लगभग सैफ्रन रूप में दिख रहा है, अवध प्रदेश लखनऊ से जुड़ा हुआ है वो मजेंटा कलर में है, और यहाँ अगर आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर के अंदर हमें ये बुंदेलखंड का रीजन है जिसमें हम झांसी महोबा चित्रकूट ललितपुर देख रहे हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश के इन सभी 75 जिलों में हमारे सभी शोधार्थियों ने, हमारे सभी सर्वेक्षणकर्ताओं ने जाने का प्रयास किया और एक चरण पर हमें लग रहा था कि शायद हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे सभी स्टूडेंट सर्वेयर्स ने इन 75 के 75 जिलों को कवर किया है और टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से कवर किए हैं वो 6930 सैंपल्स वर कलेक्टेड ऑल अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। साथियों मुझे बताते समय बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन 75 जिलों में हमने एक भी जिला को नहीं छोड़ा है। हमारा कोई भी साथी अगर हमारे इस विश्लेषण को, हमारे स्टडी को देखना चाहे तो ये सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो हमारे पास हमारे केंद्र पर है। ये एकदम साइंटिफिक स्टडी है और ये सभी 75 जिलों को हमने लगभग 7000 सैंपल्स के द्वारा कवर करने का प्रयास किया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमने उत्तरी उत्तर प्रदेश को दक्षिण उत्तर प्रदेश के साथ और पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ विश्लेषण करने का प्रयास किया, सर्वे करने का प्रयास किया, और सैंपल्स का जो साइज है वो इस बात को बताता है कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत कठोर परिश्रम के द्वारा और सक्रियता के साथ इन 75 जिलों का अध्ययन किया। हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उन जिलों से आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो उन जिलों में स्वयं से गए, जैसे कि मैंने डॉक्टर प्रवीण के बारे में कहा कि वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है आजमगढ़ कॉलेज में, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ आजमगढ़ को बहुत अच्छे से स्टडी करने का प्रयास किया। हमारे स्टूडेंट्स जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है उन्होंने हमें बहुत सहायता की, हमारे स्टूडेंट्स जो बलिया में है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ललितपुर और चित्रकूट भी गए, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिजिकल मोड में भी जाकर इन 75 जिलों को स्टडी करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था लॉ एंड ऑर्डर। हमें लगा कि कानून व्यवस्था को लेकर हो सकता है कि कुछ लोगों की समस्याएं रहेंगी। दूसरा महिला सशक्तिकरण, तो पंजाब के अतिरिक्त हमें इन दो इश्यूज को यहाँ पर बहुत प्रबलता से प्रखरता के साथ हमने उजागर किया। और अगर हम देखते हैं हमें ये भी लग रहा था कि फार्म लॉस को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर
हमारी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो साथियों आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में 6930 सैंपल्स को अगर हम प्रतिशत में विश्लेषण करें तो ये तस्वीर हमें नजर आती है कि फार्म लॉस पर केवल 4.3 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है फार्म लॉस। 28% से अधिक मतदाताओं ने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है चुनाव में वो महंगाई रहेगी। लगभग 20% युवा मतदाताओं ने कहा कि रोजगार हमारी प्राथमिकता है। और वुमेन सिक्योरिटी डेवलपमेंट गवर्नेंस लगभग 12.5% रहा। लॉ एंड ऑर्डर से बहुत सारे वहां पर मतदाता प्रसन्न नजर आए तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है और लॉ एंड ऑर्डर हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इन 75 जिलों में किस प्रकार से एक चेंज नजर आ रहा है मुद्दों को लेकर। एक युवा समाजशास्त्री, एक सेफोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बहुत आसानी से इस बात को स्टडी कर सकता है कि ये जो आंकड़े हैं ये किस ओर हमारी चुनावी राजनीति को लेकर जा रहे हैं, इसका लाभ किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों को स्वयं से आकलन करने की आवश्यकता है। अब मैं एक बार पुनः आपको यूपी और पंजाब के एक कलेक्टिव सैंपल्स की तरफ लेके जाता हूं। हमने यूपी और पंजाब के 97 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया और हमने टोटल 11,074 सैंपल्स इकट्ठे किए। साथियों देखिएगा कि 14 दिन में 11,074 सैंपल्स इकट्ठे करना बिना फंडिंग के, केवल बॉन्डिंग के, आपकी और हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग थी तो हमने 11,000 सैंपल्स दोनों राज्यों के 97 डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्ट किए। तो अगर हम इश्यू वाइज देखें दोनों राज्यों को, अगर हमें कलेक्टिवली विश्लेषण करने का प्रयास करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लगता है जो हम देखते हैं कि सभी शोधार्थी कह रहे थे, सभी वैज्ञानिक कह रहे थे, मीडिया में बराबर कवरेज हो रहा है कि आने वाले चुनाव में तो मुझे लगता है कि केवल एक ही मुद्दा है जो सरकारें गिरा भी सकता है, सरकारें बना भी सकता है। लेकिन ये हमारा विश्लेषण ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश रहा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो था हमारा फॉर्म लॉस। लेकिन लेट्स सी, सबसे अगर हम देखें तो प्राइस राइज, महंगाई दोनों राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण रही। तो सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जो है वो महंगाई को रहा, प्राइस राइज को रहा उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में। इसका हम ये कह सकते हैं कि वहां का मतदाता कहीं ना कहीं महंगाई से बहुत ज्यादा ग्रसित है या प्रभावित है या उसको लगता है कि महंगाई चुनाव के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। दूसरा एक अगर हम प्रतिशत देखें तो वो रोजगार का है कि लगभग 19% मतदाताओं ने, विशेषकर युवा मतदाताओं ने दोनों राज्यों में कहा कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आने वाले चुनाव में जो भी राजनीतिक दल या जो भी सरकार या तो हमें रोजगार सुनिश्चित करे या उसने सुनिश्चित किया होगा तो हम अपना समर्थन उसी राजनीतिक दल को देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण अगर हम भूमिका देखें तो विकास और प्रशासन अभिशासन की है। गवर्नेंस में लगभग 14% लोगों ने अपनी प्राथमिकता दी है। इसका मतलब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि किसी भी चुनाव में हमें डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ज्यादा महत्व देना चाहिए। भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं नजर आया दोनों राज्यों में, विशेषकर पंजाब में हमें अधिक देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का प्रतिशत कम था। लेकिन अगर हम दोनों राज्यों का एक कलेक्टिव सैंपल्स देखें तो लगभग 12% लोग जो थे, मतदाता थे, वो करप्शन को अपनी पहली प्राथमिकता दे रहे थे। अब हम चलते हैं साथियों, देखिए ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ रहा हूँ, घटते क्रम में लेकर आ रहा हूँ कि कौन कौन से मुद्दे हमारे लिए, मतदाताओं के लिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण थे। तो महंगाई से रोजगार, रोजगार से विकास, विकास से भ्रष्टाचार और अब हम आ रहे हैं पांचवा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है फार्म लॉ, अर्थात जो कृषक कानून है वो दोनों राज्यों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 8% जो मतदाता हैं उनके लिए कृषक कानून बहुत प्राथमिक लग रहा है। अर्थात हम अभी ये कह सकते हैं, एक इसका बहुत महत्वपूर्ण आंकलन ये भी हो सकता है कि लगभग 92% मतदाता कृषक कानून से अप्रभावित है, अर्थात कृषक कानून ने उनको प्रभावित नहीं किया है। तो अगर हम इसको उस संदर्भ में देखें जिस प्रकार से कृषक आंदोलन चल रहा है पिछले एक वर्ष से और जब से भाजपा की सरकार ने
इन कानूनों को वापस लिया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिशोध की अग्नि थी जो कुछ कृषकों में थी वो कहीं ना कहीं संतोष में परिणित होती हुई नजर आ रही है अगर हम इन सैंपल्स को देखें और इसका विश्लेषण करें। और बाकी अगर हम सब इश्यूज मिलाकर देखें तो चाहे वो महिला सिक्योरिटी है या ड्रग्स है या फिर हेल्थ केयर है, तो ये इश्यूज हैं जो लगभग 21% हैं जो यूपी और पंजाब के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, निभाएंगे। तो अब इन इश्यूज को अगर हम लोग ओवरऑल एक फाइंडिंग्स को अगर हम एक्सप्लोर करें, मैं अभी आप सब लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर हम 11,000 सैंपल्स को स्टडी करें तो ये किस निष्कर्ष पर हमको ले जाता है। तो इस निष्कर्ष को मैंने एक नए नामकरण देने का प्रयास किया है, A3 कि अगर हम दोनों राज्यों के इस चुनावी विश्लेषण को देखें, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को देखें, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे 3 A's पर आधारित हैं। जब मैं कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो इंटरेक्शंस के दौरान मुझे ये 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नजर आए। तो अगर मैं ये 1 करोड़ का प्रश्न आप सब लोगों से पूछूं तो मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे तो बता भी पाएंगे नहीं बता पाएंगे। भुवन सर मुस्कुरा रहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ हमारे जिया सर हैं, हमारे साथ निशांत जी हैं, राम जी हैं, सृष्टि हैं, नरेंद्र हैं, जो आज सभी करेंगे। तो आप में से कोई इसका बताने का प्रयास करेगा? A3, मुझे उम्मीद है कि मेरा एक स्टूडेंट इसको बता सकता है पर वो अभी नहीं बता पाएगा, शायद आखिर में बता पाएगा। एनी आंसर? ओके, अनुश्रेय किसी ने कोई आंसर दिया है? शायद नहीं दिया है। नो सर। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत मुश्किल प्रश्न पूछता हूं। तो मैं थोड़ा सा अगर मैं 1 A बता दूं आपको तो क्या आप बाकी 2 A बता पाएंगे? एग्रीकल्चर है सर, एक तो अमृतसर। अर्थात अगर हम पंजाब की राजनीति को देखें तो पंजाब की राजनीति अगर हम इस फॉर्म लॉस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पंजाब की राजनीति जो प्रोटेस्ट है ए या जो ड्रग्स है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अमृतसर से संचालित हो रहे हैं, अमृतसर से प्रेरित हो रहे हैं। और हाल ही में जैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस में एक प्रकार से एक रोल बैक हुआ, रोल आउट हुआ और कहीं ना कहीं एक आंतरिक द्वंद नजर आया सिद्धू जी में और चन्नी जी में, तो उसका जो केंद्र बिंदु था वो अमृतसर ही है। तो पहला ए हम ये मान सकते हैं कि पंजाब की जो राजनीति है वो अमृतसर से ही प्रभावित होगी। सुनने में तो ये भी आया है कि जो वर्तमान पंजाब में सरकार है श्री चन्नी जी की, उसके लिए थोड़ा सा जनमत बहुत अच्छा है क्योंकि वो बिल्कुल 2020 की बैटिंग कर रहे हैं चन्नी जी। तो हो सकता है कि अमृतसर पंजाब की राजनीति को एक नया रूप प्रदान करे जब फरवरी और मार्च में चुनाव होता है। दूसरा ए अगर हम देखें तो वो है, अगर हम अलीगढ़ को देखें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकवाद से आजम, एक्सक्यूज मी सर, इट कुड बी आजमगढ़ एंड अखिलेश बिकॉज आजमगढ़ इज सेंटर फॉर यूपी इलेक्शन। थैंक यू सो मच, हु इज दैट? डॉक्टर रक्षा। वेरी वेरी गुड। तो अलीगढ़ और आजमगढ़ मुझे पता था डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि आपने आजमगढ़ में बहुत अच्छी स्टडी की है। और सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओह वेरी गुड। तो आप तीनों को मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलना चाहिए। और मेरे साथ जिया सर है जो एकदम एकदम तत्पर है आप लोगों को इनाम की राशि शुभकामनाओं में देने के लिए। और मैं मुझे बहुत खुशी है एक्चुअल राशि है, हमारे भुवन सर कह रहे थे। तो आजमगढ़ पूर्वांचल राजनीति का केंद्र हो सकता है, अलीगढ़ अल्पसंख्यक और मुस्लिम फैक्टर के हिसाब से ओवैसी जी का बहुत बड़ा रोल है, वो मुझे लगता है अवध प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। और अमृतसर जो है वो पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये विश्लेषण जो था ये मुझे कल आप लोगों के डिस्कशन से नजर आया, इसलिए मैंने इसको A3 फिनोमिनन कहने का प्रयास किया है। तो आप में से जिन 3 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, अनुश्रेया आप उनका नाम ले लें प्लीज जरा नोटशीट में।
सर एक डायरेक्शन मैम है आजमगढ़ से और आई थिंक सिर्फ वही है, उनके अलावा तो किसी ने आंसर नहीं। ओके, तो आप इन तीनों को बधाई दे दें, पर बता दें कि इन तीनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, पर ये प्रयास सफल नहीं है, ये प्रयास सही नहीं है, ये आंसर नहीं है। हम जब चीज फ्लोरेशंस की बात करते हैं तो इस पूरे सैंपल सर्वे में हमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण नजर आती हैं, जो हम एज ए सोशल साइंटिस्ट वी मस्ट ऑल जस्ट ट्राई टू लोकेट दोस थ्री इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशंस। द वेरी फर्स्ट ए इज द एग्रेरियन इश्यूज और एग्रेरियन अनरेस्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि चाहे फार्म लॉस का जो प्रोटेस्ट है वो अगर हम देखें तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रहा है, और अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब के अर्बन सेंटर्स में वो अनरेस्ट कम नजर आया, लेकिन हम पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं, पंजाब के ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रूरल एरियाज में आती हैं, तो अग्रेरियन इश्यूज पंजाब के उन रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसमें बागपत, बड़ौद, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सब एरियाज हैं, ये सब एरियाज वो हैं जो जहां पर कृषकों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस प्रोटेस्ट मूवमेंट पे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट किस हद तक चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा, ये सरकार बनाएगा, सरकार गिराएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो तीन फॉर्म लॉज हो या आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वाला मुद्दा हो या फिर और बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग इश्यूज हैं, अग्रेरियन इश्यूज अर्थात जो कृषक संबंधित मुद्दे हैं, वो दोनों राज्यों की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो कितना करेंगे, किस हद तक करेंगे, ये कहना बहुत बहुत मुश्किल होगा इस लेवल पर। वो कितना सीट्स में ट्रांसलेट करेंगे, हमारे सैंपल सर्वे जरूर ये कह रहे हैं कि वो मत प्रतिशत कम है, लेकिन वो मत प्रतिशत फार्म लॉस को कम है, लेकिन फार्मिंग इश्यूज, अग्रेरियन इश्यूज, जो एक आम किसान की जो 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 उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं, वो आज भी दोनों राज्यों में लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एक पहला ए जो हमें नजर आया, वो हमें नजर आया ग्रेरियन इश्यूज को लेके। दूसरा ए अगर हम देखें तो वो है एंटी इनकम्बेंसी। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी को देखें तो साथियों, एंटी इनकम्बेंसी होता है कि जो सरकार है उस सरकार के विरुद्ध क्या आम जनता का, आम मतदाता का रोष है या उसके मन में संतोष है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या फिर जहां पर किसान लॉस की बात है, ये जो दोनों तीनों मुद्दे थे, इन तीनों मुद्दों में जो आम जनता का जो रोष था वो वर्तमान सरकारों के खिलाफ नहीं था, स्टेट्स गवर्नमेंट्स के खिलाफ नहीं था, यूपी में योगी जी की सरकार के खिलाफ अधिकतर मतदाताओं ने संतोष प्रकट किया, और उधर पंजाब में चन्नी जी की सरकार के सामने भी लोगों ने संतोष प्रकट किया। उनका जो रोष था वो बेसिकली प्रो इनकम्बेंसी तो नहीं कहेंगे लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। तो उनमें जो भी जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, वो नाराजगी केवल केंद्र सरकार को लेकर जरूर हो सकती, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से प्राइस राइज, महंगाई ने लोगों को प्रोजेक्ट किया, तो कुछ समय में ये महंगाई का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, क्योंकि ये राष्ट्रीय नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है, राजनीतियों के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दोनों राज्यों में बहुत बहुत प्रबलता से या बहुत प्रखरता के साथ वहां पर वो नहीं था। तीसरी और अंतिम अगर हम इस शोध की खोज को देखें तो वो है अलाइनमेंट्स, अलायंसेस एंड अलाइनमेंट्स। यूपी और पंजाब का जो चुनाव है वो आने वाले समय में नए समीकरणों पर, ये जो नए समीकरण है ये चाहे सामाजिक समीकरण है, अर्थात हम देख सकते हैं कि कैसे एक कास्ट की राजनीतिक दल दूसरे कास्ट की राजनीतिक दल के साथ अलायंस कर रहे हैं। ये अलाइनमेंट्स हम समुदाय पर आधारित भी हो सकते हैं, इट कुड बी बेस्ड ऑन कास्ट, it could be focused on community and religion, it could be on different political subcaste and other backward castes and other classes. To ye alliances hain jo political alliances among political parties, and alignments hain jo social alignments hain among castes and groups.
ये मुझे लगता है कि आने वाले चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे इसमें हम देखें कि जो हमारे दलित वर्ग हैं या हमारे अदर पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या उससे संबंधित ओवैसी जी का जो इंटरवेंशन है, राजभर जी का जो इंटरवेंशन है, या हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखें तो कैसे जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं उनका राजनीतिक दल है, उसी प्रकार से अगर हम पंजाब के अंदर समीकरणों को देखें कि अपना अमरिंदर सिंह का रूल है, वहां चन्नी जी वर्सेस सिद्धू है, चन्नी जी एंड सिद्धू है, अकाली दल है, बीजेपी है, तो कैसे ये न्यू अलाइनमेंट्स और न्यू अलायंसेस, सोशल अलायंसेस या सोशल अलाइनमेंट्स अमंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज एंड द पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स अमंग पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले चुनाव में। तो चूंकि हम लोग सभी समाजशास्त्री हैं, हम शुद्धार्थी हैं, हम सेफोलॉजिस्ट हैं, हम भविष्यवाणियां नहीं कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, हम केवल प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि ये इश्यूज आने वाले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतना बड़ा सर्वे किया, और मैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स का, उन सभी विश्वविद्यालयों का और उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने इस सर्वे में हमारी बहुत सहायता की, और विशेष धन्यवाद मैं अनुश्रेया और विकास का दूंगा कि जिन्होंने इस पूरे मिशन को कोऑर्डिनेट किया। अनुश्रेया उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेटर थी, विकास हमारे पंजाब के कोऑर्डिनेटर थे, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे अरुण जी एज ए टेक्निकल टीम के सपोर्टर में। मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कमला नेहरू कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को और उनकी शिक्षिका नीना दीदी को। मेरा विशेष धन्यवाद हमारे नागेंद्र सर को, उनकी भारती कॉलेज की टीम लास्ट मोमेंट तक काम करती रही। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जाकिर हुसैन कॉलेज, एआरएसडी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, मेरे साथी सत्यवती कॉलेज में जिया जी और हमारे भुवन सर रहे, स्टूडेंट्स फ्रॉम से एआरएसडी कॉलेज इन सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी, श्यामलाल कॉलेज जुगनी के हमारे साथी जस्सल जी, अश्विनी जस्सल जी, और हमारी फेलो साथी डॉक्टर संध्या वर्मा जी, आप सभी ने जिस प्रकार से इस मिशन को बिना फंडिंग के और एक बड़ी बॉन्डिंग के साथ जो हमें इसे सफल बनाया है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों ने हैंड्स रेज किए हैं, लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर परवीन। कमिंग रिसर्च सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इट वुड बी यू नो नाइस। हाँ बिल्कुल सही कहा डॉक्टर प्रवीण। और देखिए बच्चों, जब भी हम पायलट स्टडी करते हैं तो उसमें हमारी कुछ कमियां भी हमें पता चल जाती हैं, जैसे कि हमें बड़ा बहुत अच्छे से इनपुट्स मिले, और कुछ इनपुट्स में ये भी कहा गया कि हेल्थ केयर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट हो सकता है। दूसरी बात है कि हमारा जो एक्चुअल सर्वे होगा वो फरवरी और मार्च में होगा, जब चुनाव वास्तव में शुरू होगा। तो चुनाव के दौरान जब हम वहां ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में मतदाताओं से मिलेंगे, बात करेंगे, तब हमारा प्रयास ये होगा कि हम जिलों के साथ साथ हम उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के पास जाएं। From district, we should make a move towards constituencies. So all 117 constituencies of Punjab and all 403 constituencies of Uttar Pradesh would just try to gauge the opinion of the voters during the course of election. Because elections get conducted into different phases, so we may all be going into those respective phases and just try to gauge the opinion of the voters. Secondly, our main focus would be translate or transform this online survey into offline survey. Would see that if we can get hold of some students, some scholars, some surveys from those local constituencies or local districts, so that would actually give more significance to the electoral study. Or usme hum log prayas karenge ki hum kaise change of government ko ya government ke formation ko, ki kaun behtar mukhyamantri ho sakta hai, kiski behtar sarkar ho sakti hai, kisko kitni seatein mil sakti hain,
ये सर्वे हम लोग करेंगे जब फरवरी और मार्च में इलेक्शंस होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो सर्वे किया है, जिस मिशन को पूरा किया है, अभी तक हम देख रहे थे किसी भी सेफोलॉजिकल सेंटर ने या सेफोलॉजिकल एजेंसी ने या किसी मीडिया एजेंसी ने इतना बड़ा सर्वे करने का प्रयास नहीं किया है। और हमें उम्मीद है कि जो सर्वे रिजल्ट्स आप लोगों ने दिखाए हैं, ये चूंकि ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये उन जिलों से आते हैं, ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत साइंटिफिक है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत तटस्थ है। तो हम लोग किसी भी पॉलिटिकल मोटिव्स और एंगल्स के साथ नहीं गए थे। प्रारंभ में हमें लग रहा था कि क्या हम लोग पायलट स्टडी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आप लोगों ने हमें बहुत हिम्मत दी और हम लोगों ने जिस मिशन को आगे लिया उसको हम लोग आज यहाँ तक लेकर आ पाए। जब हम फरवरी में जाएंगे उसके बीच में हम जरूर एक एक वर्कशॉप करेंगे ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। एक्चुअल हम लोग सर्वे करेंगे। अब हमें बहुत सारा आइडिया हो गया है और हमें ये तो नहीं कहेंगे हमारी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम इस सर्वे को और बेहतर कर सकते हैं, श्रेष्ठतम कर सकते हैं, उसका प्रयास हम लोग करेंगे। हाँ जी नीना दी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ जी सुनील जी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या हम इसमें ये एक इशू डिस्कस कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं कि कोरोना को की लड़ाई के लिए किन गवर्नमेंट्स ने कैसे डील किया, लोगों का क्या मत है उसमें कि वर दे सैटिस्फाइड, डू दे वांट मोर हेल्थ केयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी नया वेरिएंट एक आ रहा है तो ये भी एक मुद्दा शायद हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शंस में, ऐसा मुझे लगता है। हाँ रीना जी, एक्चुअली हमारे जब हमने एक अदर्स वाला कॉलम रखा था उसमें बहुत लोगों ने कहा कि पेंडेमिक पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट के एक्शन थे वो बहुत कारगर साबित हुए। उत्तर प्रदेश में से बहुत लोगों ने कहा है। हेल्थ केयर एक इशू था, हम लोग इसको मुख्य उसमें रख सकते थे, बट चूंकि जब हम लोग इसको इवॉल्व कर रहे थे तो हमें लगा अच्छा डेवलपमेंट या गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आ जाएगा। बट स्वाभाविक है कि अगर हम लोग अदर्स वाले सैंपल्स को निकालने की कोशिश करें तो हमें वहां से नजर आ सके। लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि हमारे सर्वेयर्स ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि वहां की राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों ने पेंडेमिक में उस क्राइसिस को एड्रेस करने में और उसको हैंडल करने में कहीं कोताही की है या कहीं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। तो इसका एक इम्पेरेटिव कहें, इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग ये भी निकलता है कि कोरोना को काउंटर करने के लिए जो एफर्ट्स, जो इनिशिएटिव्स, जो प्रशासनिक कार्यवाही दोनों राज्य सरकारों ने की, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ केंद्र ने जो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स लिए दोनों राज्यों को लेकर या ओवरऑल उसको लेकर, मुझे लगता है कि मतदाता बहुत ज्यादा खुश थे ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो नाराज नजर नहीं आए। एक्सेप्ट वो अप्रैल और मई का फेज हम देख छोड़ दें, उस फेज में ऑल ओवर इंडिया में चीजें बहुत ठीक नहीं थी, बट उत्तर प्रदेश और पंजाब में तब भी नंबर ऑफ केसेस कंपैरेटिवली कम थे, कैजुअलिटीज कम हुई, इसलिए वहां के जो लोग थे वो उस प्रकार की परेशानियां या उस प्रकार की समस्याओं को उजागर नहीं कर रहे थे। थैंक यू। मे आई नाउ रिक्वेस्ट अवर जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर इफ इज देयर टू जस्ट वाइंड अप the program and express gratitude to all the surveyors, all the student scholars associated with the Samiksha 22 pilot project, and special thanks to Anushreya and Vikas and our pilot technical coordinator Arun ji. Ramesh Bhardwaj sir. Sir pranam. सबसे पहले मैं सभी साथियों को शुभ संध्या बोलता हूं, गुड इवनिंग कहता हूं, सादर प्रणाम कहता हूं। ये जो कार्यक्रम रहा, जिस तरह से हमारी टीम ने आपकी प्रेरणा से कार्य किया, निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, सराहनीय है, श्रद्धेय है, और हमारे लिए सबके लिए एक आने वाले कार्य के लिए मार्गदर्शक भी है। इस कार्य को साकार करने में
जो हमारी पूरी टीम ने कार्य किया, अनुश्रेया जी, विकास जी और इनके कोऑर्डिनेटर के रूप में अरुण जी, आप लोगों ने जिस तत्परता से ये कार्य किया, इसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं हृदय से नमन करते हुए आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ में ये कार्य उन लोगों के बिना भी कभी संभव नहीं हो सकता था जिन लोगों ने फील्ड में रह करके पूर्ण सक्रियता से ये कार्य किया। तो जो गुरुजन, विद्यार्थीगण, जो भी कोई अन्य स्रोत हैं जिनने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ समान कार्य को संपूर्ण करने में अपनी अपनी आहुतियां दी हैं, उनको भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सादर नमन करता हूं। एक बार फिर अपने जितने भी फेलो साथी हैं उनको मेरा प्रणाम, उनको सबको साधुवाद, क्योंकि हमारे सर के नेतृत्व में जो उनके, वैसे तो भुवन सर वाली बात है कि एक से लेकर के 14 तक सब सुनील सर ही हैं, हम आपके प्रतिबिंब हैं, आपके प्रतिबिंब के रूप में ही कार्य करते हैं, तो हमने जो भी किया वास्तव में आपने किया। और आपको, सभी साथियों को एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भारद्वाज सर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज। चूंकि अनुश्रेया ने रिक्वेस्ट की थी कि उस वीडियो को दोबारा से वो सबको के सामने प्ले करना चाहते हैं, कि कुछ हमारे साथी सबसे आखिर में आए हैं, तो हम इस कार्यक्रम को समापन तो नहीं कहते हैं, इसका हम विस्तारण करेंगे। बट मैं महेश कौशिक सर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे सभी सर्वेयर्स को, यंग सर्वेयर्स को आशीर्वाद देना चाहें, शुभकामनाएं देना चाहें जी, उसके बाद अनुश्रेया। सादर प्रणाम सर, और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद में सबका आशीर्वाद निहित है, क्योंकि आपका आशीर्वाद था इसीलिए इतना सफलतापूर्वक ये सर्वेक्षण अनुश्रेया, विकास और अरुण जी के नेतृत्व में हो पाया है। तो सब मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपका है, और मुझे लगता है कि जो फिजिकल मोड में हम फाइनली ये सर्वे करेंगे फरवरी के मंथ में लगभग जो होगा, मुझे लगता है कि वो अपने आप में, जिस प्रकार से ये पायलट सर्वे अपने आप में एक कीर्तिमान है, कि भाई मुझे लगता है जो अभी आपने कहा, वास्तव में अभी किसी ने भी, किसी भी सर्वे एजेंसी ने इस तरह का कोई सर्वे इतने लार्ज स्केल पर, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के सभी जिलों को शामिल करने का प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई सर्वे अभी तक सामने नहीं आया है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उसी तरह से हम लोग जब फिजिकल मोड में सर्वे करने के लिए जाएंगे, पिछली बार मुझे याद है कि जो सर्वे हमने शुरू किया था वह उत्तर प्रदेश चुनाव से ही शुरू किया था, और उसमें भी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड जो है डाटा कलेक्ट किया था, जो 89,000 से ऊपर का डाटा था। तो जिस तरह से हमने उस सारा वो सर्वे किया और उसके परिणाम जिस तरह से हमारे एकदम सटीक थे, मुझे लगता है कि इस बार फिर से हम वैसा ही सर्वे और उससे भी और अच्छे स्तर पर करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पायलट सर्वे इतने अच्छे तरीके से करके उस कार्य का बहुत अच्छा शुभारंभ कर दिया है। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और विकास, मैं आपको निवेदन भी करूंगा कि हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है उनकी लिस्ट, उनके नेम्स एंड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस वो बनाकर हमें दे दीजिएगा, उन सबको हम सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन हम अभी उनको स्कैन करके भिजवा देंगे, और जब भी वो विश्वविद्यालय आएंगे तो उनको हम लोग हार्ड कॉपीज भी दे देंगे। तो अनुश्रेया, आपको फाइनली ओवर टू यू टू जस्ट फाइनली वाइंड अप द प्रोग्राम विद दैट। थैंक यू सर।
थैंक यू एवरीवन, महेश सर, प्रकाश सर एंड सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड डेफिनेटली वी विल लुकिंग फॉर मोर दिस टाइप ऑफ सर्वे इन फेब्रुअरी ऑफ कोर्स, एंड माय टीम टीम यूपी एंड टीम पंजाब डेफिनेटली हैज डन अ वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्वे, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. In the last, I would like to invite Pankaj to present the video again. Thank you, everyone. Thank you so much. Is it visible? No, Pankaj. It's Anushya? Not. No. Okay, just a minute. Pankaj, share your screen first, no? Because your screen is not visible to us. Actually, मैं share कर रहा हूँ. Just a second. वो थोड़ा सा not responding का message दिख रहा है. All right. Second. Not a problem. Anshya, please make it sure that am I a presenter now or am I attending? You are presenter, Pankaj, you can. Is it visible now? Anushya? Yes. Okay. अब दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, ओ गांव बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है, ओ बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है, रिश्ता बोल रहा है. अब दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, ओ गांव बोल रहा है, रिश्ता 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 बोल रहा
सपनों की बातों की मिसरी नादों में बोल रहा है, जिसका बोल रहा है वो गांव बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, जिसका बोल रहा है जिसका बोल रहा है, जिसका बोल रहा है जिसका बोल रहा है, अब दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी नादों में बोल रहा है, जिसका बोल रहा है वो गांव बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है, जिसका बोल रहा है जिसका बोल रहा है, जिसका बोल रहा है थैंक यू पंकज, थैंक यू अनुश्रेया, और एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुश्रेया के लिए, विकास के लिए, अरुण के लिए, पंकज के लिए, सारी टीम्स के लिए, सब लोगों के जोरदार तालियां बजाएं अपने अपने ऑडियो कॉल। थैंक यू एवरी टीम मेंबर्स, थैंक यू मेंबर्स फ्रॉम यूपी एंड पंजाब, थैंक यू एवरीवन। महादेव सर आपको मुस्कुराने के लिए, भुवन सर कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार, नमस्कार सर, सादर धन्यवाद सबको, सादर नमन सर, जिया सर को, निशान जी को, भुवन सर को, पंडित जी को जो ऑनलाइन है। और